इंस्टाग्राम ने सिर्फ एक दिन में 44 बिलियन ब्लू टिक को सेल किया है, एक दिन का हाईएस्ट सेल है बॉस। अभी लोगों का मेरे पास डीएम आया है कि उनको इंस्टाग्राम नहीं फेसबुक पे भी 699 पे करके ब्लू टिक चाहिए। अगर आपको भी लगता है 699 पे करके फेसबुक पे ब्लू टिक लेके आपका या आपका फ्रेंड का कोई फायदा होगा तो यू आर वेलकम। अभी इस तीन अकाउंट को देखो जो वेरीफाइड है, अभी तीनों अकाउंट के फॉलोअर को देखो जहाँ पे सिर्फ 1000, 5000 एंड 6000 फॉलोअर है बस। और एक दिखाता हूँ जिसमें अकाउंट तो प्रोफेशनल भी नहीं है लेकिन उसपे भी ब्लू टिक है। कुछ समझे, वेरीफाई अकाउंट का अभी कोई इज्जत ही नहीं रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, जस्ट पैसा फेंको एंड तमाशा देखो। एंड कुछ इस तरह से अगर आप भी चाहते हो आपका प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल अकाउंट वेरीफाई हो जाए तो कष्ट करके देख के जाओ, बिकॉज क्या क्राइटेरिया है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा अकाउंट को ब्लू टिक लेना चाहिए एंड इससे फायदा क्या होगा। आफ्टर ऑल अगर वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ऑल आर मेंशन हियर। नाउ लेट्स सी हाउ कैन यू वेरीफाई आवर अकाउंट। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ भाई, फेसबुक पे मेरा कुछ इस तरह से मेटा वेरिफिकेशन का ऑप्शन तो नहीं मिला लेकिन इंस्टाग्राम पे मिल गया। फिर भी फेसबुक वेरिफिकेशन प्रोसेस को बता देता हूँ, साथ में मेरे जैसे जिनको वेरिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए वो भी बता दूंगा, जिससे जल्दी से जल्दी आपका भी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट इज जिनको मेटा वेरिफिकेशन नहीं मिला वो लोग डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर ले मेटा वेरिफिकेशन, सिलेक्ट फेसबुक एंड आफ्टर दैट ज्वाइन वेटिंग लिस्ट। उसके बाद थोड़ा दिन वेट करना जिससे आपको भी ये वाला वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और जिनको पहले से ही मेटा वेरिफाइड ऑप्शन मिल गया है वो लोग डायरेक्टली अपना फेसबुक पे चले आए एंड 3 डॉट पे क्लिक करें, नीचे देखेंगे मेटा वेरीफाइड, जस्ट क्लिक हियर। अभी ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक अकाउंट सिलेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करो एंड पे नाउ। सी पेमेंट ऑप्शन तो आ गया है, अभी पेमेंट करने के बाद आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी डॉक्यूमेंट मांगेगा। कोई भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना हो गया आपका काम। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, आपकी गवर्नमेंट आईडी एंड फेसबुक आईडी पे आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेम होना चाहिए तभी वेरीफाइड हो गए, वरना रिजेक्ट कर दिए जाओगे। एंड सपोज आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए रिजेक्शन हो गया है तब नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना किस लिए आपका अकाउंट रिजेक्ट है, जिसको ठीक करके फिर से कुछ दिन बाद ट्राई करो। एंड हाँ डोंट वरी, रिजेक्शन के बाद 699 का पेमेंट आपको सेम पेमेंट मेथड से रिटर्न किया जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज। यहाँ तक क्लियर, अभी जान लेते हैं किनको लेना चाहिए एंड क्या फायदा होगा वेरीफाइड होने से। सपोज आपका कोई बिजनेस अकाउंट है फेसबुक पे जहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल करते हो तब आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए, जिससे आपके कस्टमर को इजीली पता चल जाएगा आप ट्रस्टेड सेलर हो एंड आपसे कोई कुछ खरीदेगा तो उनके साथ आप स्कैम नहीं करोगे। एंड सेकंड इज वेरिफिकेशन के बाद आपकी अकाउंट को फेसबुक हमेशा सिक्योर रखेगा एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो फेसबुक आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा लाइव चैट सेक्शन के माध्यम से। दैट्स इट। अगर कुछ इस तरह से नॉर्मल अकाउंट है तो भाई शो ऑफ के लिए पैसा बर्बाद ना करो, बाकी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं लंबा लंबा वीडियो बना के आपका टाइम तो बर्बाद नहीं करता। कट टू कट पॉइंट पे बात करता हूँ। नाउ इट्स अप टू यू, यू आर नॉट फॉलो और नॉट।